क्या फिल्म के चौथे भाग में जादू लौट आएगा? क्या ये टाइम ट्रेवल कहानी होगी? क्या ऋतिक निभाएंगे हीरो और विलेन दोनों का किरदार? प्रीति, प्रियंका या कृति कौन होंगे इस फिल्म के अभिनेता? इस वीडियो में पाएं इन सवालों के जवाब और साथ ही क्रिश 4 से जुड़े अनसुने किस्से। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। फिल्म कोई मिल गया में जादू का जादू तो सबने देखा और इस फिल्म को पसंद भी किया। इस साइंस फिक्शन फिल्म ने लोगों के दिलों में बस कर गई और इस फिल्म के सफलता को देखते हुए फिल्म के मेकर राकेश रोशन ने इस फिल्म को एक सीरीज में बदलने का फैसला किया। जब 2003 में फिल्म कोई मिल गया आई थी तब बॉलीवुड में साइंस फिक्शन फिल्में कम ही आई थी। इस फिल्म को कंसेप्ट, कहानी और किरदार लोगों को काफी पसंद आया और मजेदार लगा। इस फिल्म ने ऋतिक रोशन को भी फिल्म इंडस्ट्री में नाम और पहचान दिया। फिर राकेश रोशन जो उनके पिता और एक फिल्म मेकर भी हैं, उन्होंने इस फिल्म की फ्रेंचाइजी बनाने का ऐलान कर दिया और फिर कोई मिल गया की कहानी को आगे लेकर जाते हुए क्रिश फिल्म बनाया। फिल्म की कहानी में ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और रेखा को देखा गया था जिसमें ऋतिक रोहित के किरदार में थे। प्रीति जिंटा को निशा के किरदार में और रेखा ऋतिक की माँ की भूमिका में नजर आई। फिर फिल्म के अगले भाग में ऋतिक और निशा के बेटे की भूमिका में ऋतिक को ही क्रिश के रूप में दिखाया गया था जो कि अपनी दादी यानी कि रेखा के साथ रहता था। क्रिश के पास उड़ने की सुपर पावर होती है जो कि जादू की वजह से ही होती है, जिसे पिछले फिल्म में रोहित को भी शक्तियाँ दी थी। फिल्म को आगे ले जाते हुए इसमें प्रियंका चोपड़ा का किरदार भी डाला गया है जो कि सिंगापुर से होती है। क्रिश उससे मिलने के लिए सिंगापुर जाता है और अपनी सुपर पावर की वजह से आग में फंसे लोगों की जान बचाता है। क्रिश की दादी उसे किसी को अपनी शक्ति के बारे में बताने से मना किया होता है इसलिए वो सामने नहीं आता और वो सिंगापुर में ही उसे पता लगता है कि उसके पिता जिंदा है। इसी कहानी के आधार मानते हुए सुपर पावर के साथ क्रिश 3 बनाए गए जिसमें ऋतिक रोशन लोगों की रक्षा करते हुए नजर आए थे और इसमें अब विलेन को भी मुख्य भूमिका दिया जाने वाला था। अपने इसी साइंस फिक्शन की कहानी को आगे ले जाते हुए क्रिश 4 को बनाने की बात की जा रही है जो कि एक एक्शन फिल्म होगी लेकिन इसकी कहानी साइंस बेस्ड ही होगी। ऋतिक रोशन ने हाल ही में 2 बड़ी हिट फिल्में दी हैं जिसके बाद लोगों में उनकी फिल्मों की डिमांड बढ़ गई। ऐसे में क्रिश 4 में आने से ऋतिक के करियर में 4 चांद लग जाएंगे और क्रिश फिल्म की सीरीज में किसी भी फिल्म ने उनको निराश नहीं किया तो आगे भी ऐसी फिल्मों को लोगों को पसंद आएंगी। अब अगर फिल्म के बारे में बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि क्रिश 4 में कृति सैनन का एक मुख्य किरदार होगा। अब फिल्म में उनके होने से क्या नया बनाएगा वो तो अभी बता पाना मुश्किल। यह फिल्म की बात चर्चा में तब आई जब राकेश रोशन ने इस फिल्म को बनाने का ऐलान किया और उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म 2020 के क्रिसमस में आएगी। इस बात को सुनकर ऋतिक रोशन और क्रिश फैंस में खुशी की लहर देखने को मिली। ऋतिक रोशन को क्रिश के किरदार में लोगों का बहुत प्यार मिला और वो बॉलीवुड के पहले अभिनेता हैं जिन्होंने ऐसे किरदार के साथ भारत में सुपर हीरो वाली फिल्मों को बढ़ावा दिया। फिलहाल वो रोहित धवन के साथ एक फिल्म से जुड़ रहे हैं और वो खबरें यह है कि फिल्म एक सुपर हीरो और बेस्ड होगी जैसे कि क्रिश है। इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और इसके पहले हिस्से का ड्राफ्ट भी तैयार है। इससे पहले कि वो क्रिश 4 और रोहित धवन की फिल्म के लिए काम करते वो सुपर 30 और वॉर फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। दोनों फिल्में काफी हिट हुई थी और जल्द ही ऋतिक क्रिश 4 में और रोहित धवन की सुपर हीरो फिल्म का हिस्सा बन सके। क्रिश 4 से जुड़ी ज्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन यह कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे। फिल्म में वो हीरो और विलन दोनों के किरदार में नजर आएंगे। जब इसके बारे में उनके पिता राकेश रोशन से पूछा गया तो उन्होंने यह जानकारी के बारे में मना कर दिया। फिल्म के पहले भाग में तो ऋतिक रोशन प्रीति जिंटा के ऑपोजिट थे, फिर वो दूसरे भाग में प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आए और तीसरे भाग में प्रियंका और कंगना वो दोनों के साथ रोमांस करते हुए नजर आए। फिल्म के चौथे भाग के साथ तो कृति सैनन का नाम जोड़ा जा रहा है लेकिन उनके किरदार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही अब इस बात की कोई पुष्टि की गई। खबरों की माने तो ऋतिक अब पहले क्रिश 4 में काम करते नजर आएंगे क्योंकि इस फिल्म में स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है और उसके अगले भाग के लिए वो लोगों को और ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहते। वो विकास बहल के भी किसी बायोपिक फिल्म का हिस्सा है लेकिन कुछ विवादों की वजह से वो फिल्म बीच में रुक गई तो अब जल्द ही क्रिश 4 के आने की उम्मीद बढ़ रही है। इस फिल्म से जुड़ी एक मजेदार बात सामने आई है कि फिल्म क्रिश 4 में वो लोग पिछले समय में जाकर जादू से मिलेंगे जो देखना बहुत मजेदार होने वाला है। इस वजह से फिल्म में कई सारे सस्पेंस, ट्विस्ट और टर्न्स भी होंगे जो इस फिल्म को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाएंगे। अब देखते हैं कि फिल्म में अगले भाग की कहानी क्या होगी। आपको इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्मी दुनिया से जुड़े हर खबर के लिए बने रहें हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने।